हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए सिलेबस, एग्जाम फीस, कंप्लीट पैटर्न पे बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी मिलेगा इस एक वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रिपरेशन करना है। देखिए, एग्जामिनेशंस की किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करने से पहले या किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, उस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए, उसके बाद ही आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिल पाता है, ठीक है। तो इसी में हम बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी है, अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझना होगा कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है बिहार बीएड करने के लिए। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि 2 वर्षीय बीएड होगा आपका बिहार बीएड, उसके लिए जो आपको स्नातक होना चाहिए 10+2+3, ठीक है। स्नातक में आपका कम से कम 50% होना चाहिए मार्क्स, एंड अगर अदर की बात करें बीई या बीटेक वाले बच्चों के लिए तो उनको 55% चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको शिक्षा शास्त्री से करना है बीएड तो इनके लिए क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बीए संस्कृत मुख्य विषय के रूप में या समतुल्य परंपरागत परीक्षा में न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका शिक्षा शास्त्री के लिए हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ भी है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा परीक्षा विभाग द्वारा 50% चाहिए शास्त्री के लिए, करेक्ट। और कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछिएगा कमेंट में, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रारूप, परीक्षा, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, पैटर्न क्या होगा एग्जामिनेशंस का, राइट। तो इसमें सबसे पहले आप समझिएगा कि इसमें आपको 120 क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क्स मिलेगा, 120 अंक मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, राइट। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग्स होता है तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका ऑफलाइन नहीं होता है, ओएमआर शीट पे होगा, मतलब आपका ये ऑफलाइन पेपर होता है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, जिसे पहले आप समझिए कि जनरल इंग्लिश आपका आएगा, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। उसके बाद जनरल संस्कृत, जो भी बच्चे शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 15, ठीक है, इंग्लिश की जगह पे। उसके बाद आपको जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। उसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। उसके बाद टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, ये 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स का। तो ये संपूर्ण आपका क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका पैटर्न था। अब क्वालिफाइंग तो मार्क्स है, लेकिन क्वालिफाइंग पे आपको ध्यान देना नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग पे ध्यान देंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि है तो बात कर लेते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 35% आपको लाना होगा काउंसलिंग में बैठने के लिए, अदरवाइज तो काउंसलिंग में बैठ ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब 42 मार्क्स, 120 में से आपको 120 में से 42 मार्क्स लाना होगा, बट इससे तो काम बनेगा नहीं, ये क्वालिफाइंग बता रहा है बस खाली। 30% आपको लाना है, इट मीन्स 36 मार्क्स आपको लाना है अदर कैटेगरीज के लिए, राइट, जैसे कि आप SC हैं, ST हैं, BC हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, ठीक है, OBC, EBC हैं या WBC हैं, राइट, तो इनके लिए 36 मार्क्स लाना होगा काउंसलिंग में बैठने के लिए, बट इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको कॉलेजेस से नहीं मिलेगा, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है, ठीक है। ऋणात्मक मैंने बता दिया है आपको, ऋणात्मक अंक नहीं है। पेपर इस बार का जो 2022 में हुआ था वो प्रत्येक ईयर से ज़्यादा टफ पेपर आया था, लेकिन फिर भी आपको अगर सही से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप पेपर सॉल्व कर जाओगे अच्छे से, ठीक है। बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं और उनको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिला है, बट आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना होगा, ठीक है। एग्जामिनेशंस का, एंट्रेंस टेस्ट का फीस कितना है, जैसे कि अगर सामान्य की बात करें,
ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के, तो ₹1000 आपको फीस पे करना होगा। उसके बाद दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, महिला या EWS कैटेगरी के लिए ₹750 आपको देना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपको ₹500 पे करना होगा। ठीक है, ये सभी आप ऑनलाइन पे कर सकते हो जब आप फॉर्म भरोगे। राइट, क्लियर है ये आपका। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, पैटर्न देख सकते हो। वैसे कोई भी आप जब प्रैक्टिस के लिए आप बुक्स लोगे सो वहाँ पर ये सभी आपको मिलेगा पैटर्न। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आप जनरल इंग्लिश लेते हो, देखिए यहाँ पर लिखा है नॉट फॉर शास्त्री। ठीक है, क्योंकि शास्त्री लोग क्या करते हैं, वो संस्कृत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो, इंग्लिश का सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है, राइट। सो इंग्लिश में आपका फिल इन द ब्लैंक्स, आपका विलोम, पर्यायवाची, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग्स एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सभी आएंगे। उसके बाद आपके ग्रामेटिकल कुछ क्वेश्चंस रहेंगे बस। ठीक है, वो क्वेश्चन तो होता नहीं है, वैसे 15 क्वेश्चन होता है। क्लियर है। उसके बाद आपके केवल ये जो संस्कृत क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे केवल शास्त्री के लिए, केवल शिक्षा शास्त्री के लिए है, जिसमें संधि समास उपसर्ग जो हिंदी वाले पैटर्न होते हैं वही वाला होता है। ठीक है, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल से पढ़ने की जरूरत है। कंटिन्यूसली आप प्रिपरेशन कीजिएगा। हिंदी की आप देख सकते हैं संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, आराम से इसको देखिएगा, गद्यांश भी आता है। उसके बाद रिक्त स्थान, व्याकरण, पर्यायवाची, विपरीत क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है, राइट। उसके बाद अगर यहाँ पर देखते हैं आपका रीजनिंग में, रीजनिंग आपका एनालॉजी, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एक्सेप्शंस, स्टेटमेंट ऑफ कोर्सेस ऑफ एक्शंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। उसके बाद अगर आप जनरल अवेयरनेस देखेंगे तो हिस्ट्री क्वेश्चन आपको मिलेगा, पॉलिटी का, जियोग्राफी का। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड सोशल इशू, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। जनरल आपका साइंस पूछेगा, 5 ईयर्स प्लान्स पूछेगा, करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अदर मिसलिनियस स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ लेगा, जैसे कि बिहार से ही 2-3 क्वेश्चन आ जाता है हर साल। उसके बाद आप टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट से भी पूछेंगे। ठीक है, इन सभी के बुक्स मैं सजेस्ट करूंगा, डेफिनेटली आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। ये सभी आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्स इन स्कूल, नीड एंड इफेक्ट, स्कूल रिलेटेड इशू, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप, ETC, ये सभी टॉपिक्स हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आइडियल टीचर्स, इफेक्टिव टीचिंग्स, हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट, क्लास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ETC। ठीक है, सो ये सभी टॉपिक्स हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, जो भी बुक्स लोगे उसमें तो रहेगा ही प्रैक्टिस सेशन जब भी आप करोगे। ठीक, क्लियर हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स आपको कुछ परचेस करना है। अगर पहली सुन लीजिएगा, अगर आपके पास ये बुक्स हैं, इनमें से कुछ भी इसका ऑप्शनल है, कुछ भी अलग से आपके पास बुक्स है, तो इस बुक्स को परचेज मत कीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको लेना होगा। लेकिन डियर, ये आपका प्रैक्टिस सेट 2022 का है, तो इसको परचेज नहीं करना है। आपको 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट वाला लेना है, जिसमें 2022 का भी एडेट रहेगा। ठीक है, पुराना मत लीजिएगा, इसमें 2021 का है, जब मार्केट में नया आ जाएगा तब परचेज करना है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट आपको लेना है, ठीक है, जिसमें आपके 20 से 25 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। आप प्रैक्टिस खुद से भी कीजिएगा, पब्लिकेशन कोई भी हो सकता है, जैसे ये प्रभात का है, इस तरीके से बहुत सारा पब्लिकेशन आता है। मैं जब बुक्स आ जाएगा लेटेस्ट मार्केट में तब भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एक आपको प्रैक्टिस सेट लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मस्ट है सभी के लिए, जनरल हिंदी की बुक लेना है, आदित्य पब्लिकेशन के लिए समान हिंदी, बहुत ही अच्छी बुक्स है। जब भी आप देखिए तैयारी, तो आपको ये बुक्स बेनिफिट पहुँचाएगा। उसके बाद अदर एग्जामिनेशन तैयारी करते हो, चाहे आप SI की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CTET की तैयारी करोगे, ठीक है, CTET की तैयारी कर सकते हो आप, या फिर बिहार टेट की तैयारी करोगे, तो उसमें भी यूजफुल रहेगा हिंदी। तो मतलब अगर एक बार आप मजबूत कर लेते हो तो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये बुक इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए बेस्ट बुक हो सकता है GS के लिए लूसेंट। अगर अदर बुक्स हैं जिससे आप GS स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तो मत लीजिएगा, अदरवाइज ये बुक्स सजेशन है, आपको लेना ही होगा, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के अगर आपके पास कोई बुक्स है तो इस बुक को मत लीजिएगा, अदरवाइज RK झा की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स है, और अच्छी खासी ये बुक्स है, जिसमें से आपको वर्बल, नॉन वर्बल आपकी रीजनिंग सॉल्व हो जाएगा और भरपूर प्रैक्टिस करने को मिलेगा इसमें से, तो रीजनिंग आपका इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको कैडी पब्लिकेशंस की, नीतू मैम की बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर इंग्लिश ग्रामर किसी को भी
इम्प्रूव करना है तो ये अच्छी बुक्स है। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन आते हैं, सो इस बुक को हमेशा परचेज कीजिए। और बिहार बीएड में भी क्वेश्चन आता है तो ये बुक्स आपके लिए यूजफुल रहेगा, राइट डियर। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बिहार बीएड की जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी आपके फिंगर टिप पे सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो। उसके बाद आप एक बुक और सजेशन करूँगा टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट के लिए, ये बुक्स ठीक है, आर गुप्ता की बुक है बाल विकास एवं शिक्षा। ये किसके लिए है भाई? अगर इसको पढ़ लेते हो तो बिहार बीएड में तो बेनिफिट पहुंचाएगा। फिर से मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, एक बार बुक ले लोगे तो फिर आपके लाइफ टाइम वो काम करेगा। जैसे कि आप सीटेट आने वाले समय में तो सीटेट करेंगे करेंगे बीटेट करेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस तो मिलेगा, ठीक है, तो बेनिफिट पहुंचाएगा ये बुक्स। और सभी जितनी भी बुक्स मैं बता रहा हूँ सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, आप जाकर अमेज़ॉन पे परचेज कर सकते हो, ठीक है, अमेज़ॉन का लिंक है, वहाँ से आप ऑनलाइन जाके परचेज कर सकते हो, राइट। और नहीं तो फिर अगर ऑफलाइन जाके नियर मार्केट में इन्हीं बुक्स को परचेज कर लीजिए, ठीक है, या तो अपने नियर मार्केट से कर लीजिए या फिर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे एग्जाम रिलेटेड या कोई भी डाउट है बिहार बीएड से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हो, फील फ्री आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई 100% किया जाएगा। वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर कीजिएगा दोस्तों को और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको 100% बेनिफिट होगा।